Now let us discuss about mode of vibration along a string. तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पर प्लक्ट करेंगे, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे और उस वाइब्रेशन में जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस होगा, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का फॉर्मेशन होगा, वो फ्रिक्वेंसीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसके लिए डायग्राम ये बनाना है, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, इसके बीच में हमने एक स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल कंडीशन में बांध दिया, जिस स्ट्रिंग का लेंथ एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसमें एक सिंगल लूप बनेगा, एक सिंगल लूप बनेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड। सो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू टू एंड नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू वन। ये जो लेंथ है, इस लेंथ में हम लोग लैम्डा बाय टू लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय टू। मतलब हम एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसलिए यहां पर लैम्डा वन लिख देना। तो आप लोगों ने यहां पर लैम्डा वन इज इक्वल टू ट्वाइस एल फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मैं यहां पर मोड ऑफ वाइब्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोड ऑफ वाइब्रेशन इज एन इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा वन अंडर रूट टी अपॉन एम। यहां पर एक कंफ्यूजन आपको ये होता है कि हम मैंने यहां पर लैम्डा वन लिया तो यहां पर एन वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है तो एन वन लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसीलिए हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा वन लेंगे, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एन वन नहीं लेंगे, वो एन लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन, जिसका सब्स्टिट्यूशन ट्वाइस एल होगा, ये हो गया एन इज इक्वल टू ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है कि स्ट्रिंग प्रेजेंटली किस फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट कर रहा है, कॉल्ड एज हार्मोनिक। नाउ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप बढ़ा दो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, दिस इज नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और ये नोड। नंबर ऑफ नोड्स
इज इक्वल टू 1, 2, 3, नंबर ऑफ एंटीनोड्स इज इक्वल टू 2। जैसे पहले आपने सॉल्व किया वैसा ही अभी सॉल्व करना है, सेम स्टेप सबको फॉलो करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। दिस इज द वेवलेंथ फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए यहां पर लैम्डा 2 और यहां पर भी लैम्डा 2 लिखो। जैसे आपने यहां पर एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 लिखा, यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 बाय 2 प्लस लैम्डा 2 बाय 2, मतलब L इज इक्वल टू आपको यहां पर लैम्डा 2 मिलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट लैम्डा 2 इज इक्वल टू L इन द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, नाउ यू हैव टू राइट एन वन वन अपॉन लैम्डा टू, क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ है, एंड दिस इज अंडर रूट टी अपॉन एम। सो यू विल गेट हियर एन वन इज इक्वल टू वन अपॉन व्हाट इज लैम्डा टू, एल, दिस इज अंडर रूट टी अपॉन एम। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज टू टाइम्स वन अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम। इस इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया टू से, तो वन अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो इक्वेशन बिकम्स एन वन इज इक्वल टू ट्वाइस एन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहां पर जो टू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, इसीलिए ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा, इट इज कॉल्ड ए सेकंड हार्मोनिक। और ये पहला हायर फ्रीक्वेंसी है, और हायर फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है ओवरटोन, तो यहां पर वन लिखा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। हार्मोनिक मतलब टोटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, टू मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब दो, यहां पर कितना लिखा हुआ है वन, इसका मतलब ये पहला हायर फ्रीक्वेंसी हुआ, एंड फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ओवरटोन। अब इसके बाद वाला जो है वो सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी आएगा, देन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फिर से वही डायग्राम बना लो, लेंथ इतना ही रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, एक लूप और बढ़ा दो, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, यहां पर नोड, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए, नंबर ऑफ एंटी नोड बढ़ गए। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय टू, अगेन हियर लैम्डा बाय टू, अगेन हियर लैम्डा बाय टू। ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो लैम्डा 3 से डिनोट करो, नाउ नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू 3, 1, 2, 3। इतने लेंथ में लैम्डा 3 बाय 2 प्लस लैम्डा 3 बाय 2 प्लस लैम्डा 3 बाय 2, मतलब ये बन गया एल इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा 3 बाय 2। दैट मीन्स लैम्डा 3 इज इक्वल टू, लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एल अपॉन 3, लैम्डा 3 मिल गया।
यहाँ पर हमने लैम्डा वन निकाला था, यहाँ पर हमने लैम्डा टू निकाला, यहाँ पर लैम्डा थ्री निकाला। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, इट इज डिनोटेड बाय एन टू, इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा थ्री अंडर रूट टी अपॉन एम। तो ये एन टू हो गया, लैम्डा थ्री मतलब ये हो गया ट्वाइस एल बाय थ्री, और ये हो गया अंडर रूट टी अपॉन एम। थ्री ऊपर जाएगा तो एन टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वन अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम। वॉट इज दिस? अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। सो एन टू इज इक्वल टू थ्राइस एन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक, और यहां पर एन टू टू लिखा है, इसका मतलब ये सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेकंड ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से आप लोग देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में सेकंड हार्मोनिक मिला, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में थर्ड हार्मोनिक मिला, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर फाइंड आउट करोगे तो फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर फाइंड आउट करोगे तो फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट सिमिलरली, अगर आप एन फोर निकालते हो, जब आपने एन वन निकाला तो ट्वाइस एन मिला, एन टू निकाला तो थ्राइस एन मिला, तो आप एन थ्री अगर निकालते हो तो फोर एन मिलेगा, एन फोर निकालते हो तो यहां पर फाइव एन मिलेगा। अगर आप ये थर्ड ओवरटोन के लिए निकाला, ये फोर्थ ओवरटोन के लिए निकाला, ऐसा अगर आपको बोला जाए पिथ ओवरटोन, पिथ मतलब कोई भी ओवरटोन हो सकता है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है कि आपको 20th ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको 30th ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उस वक्त आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो पिथ ओवरटोन इज इक्वल टू क्या हुआ, तो यहां पर 3 है तो यहां पर 4, यहां पर 4 है तो यहां पर 5, इसका मतलब यहां पर पी प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई होगा एन। तो आपको अगर समझ लो 20th ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पी के जगह पर आप 20 लिखो, यहां पर 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो लेंथ का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू, लीनियर डेंसिटी का वैल्यू गिवन होता है, मतलब एन का वैल्यू वहां पर आपको मिल जाएगा। इस एन को 21 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको 20th ओवरटोन मिल जाएगा। सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड पिथ ओवरटोन। अब यहां पर देखो, आपको फर्स्ट हार्मोनिक भी मिल रहा है, ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, आपको सेकंड हार्मोनिक भी मिल रहा है, आपको थर्ड हार्मोनिक भी मिल रहा है, मतलब आपको फर्स्ट और थर्ड मिला, मतलब आपको ऑड मिल गया, आपको सेकंड मिला इसका मतलब इवन मिला, आपको फोर मिला इवन मिल गया, फाइव मिला ऑड मिला। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द सेंटर देन ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। थैंक यू।